अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। भले बेलगाम में कल से सेशन शुरू होने वाला है और उसकी तैयारी भी शहर में देखने को मिल रही है। तमाम होटल बुक हो चुके हैं, सियासी लीडरों की हिमायती भी शहर में दाखिल हो रहे हैं। अक्सर लोगों को आखिर अधिवेशन क्या है मालूम ही नहीं रहता। इसे बतौर एक सियासी मेला कहा जाए तो गलत ना होगा। पूरे 10 दिन में कुछ MLA MP मौजूद रहते हैं, कुछ गैर हाजिर रहते हैं। साल में एक बार करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसमें आवाम की भी शिकायत रहती है कि रास्ते बंद कर दिए जाते हैं जब लीडरों की गाड़ियां चलती हैं। कुछ होटल वालों की भी शिकायत रहती है कि सरकार की जानिब से बिल वक्त पर अदा नहीं किए जाते। कुछ टैक्सी मालिकों की भी इसी तरह की शिकायत रहती है। हर साल MES की जानिब से महामेलावर रखा जाता है। इस बार इजाजत न देने पर महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर यानी शिन्नौली का रुख MES ने किया हुआ है। लिहाजा हिंडलगांव में थोड़ी देर के लिए रुक कर वहां पर एक मुख्तसर इजलास को मुखातिब होकर शिन्नौली जाएंगे। हो सकता है यहाँ महाराष्ट्र से भी कुछ लोग या सियासी लीडर आ सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। खैर, धीरे धीरे अब मराठी तहरीक भी पीछे धकेली जा रही है। और वैसे भी मराठी लोगों में पहले वाला जोश भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दो नस्लें भी तो इसमें सर्फ हो चुकी हैं। इसके लिए वैसा भी सियासी तब्दीलियां कह सकते हैं जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। भाजपा की तरफ नौजवानों का रुझान, फिर हिंदुत्व तंजीमों की सरगर्मियां और समिति के पिछले लीडरों ने सीमा प्रश्न यानी सरहदी इलाके के नाम पर अपना मुफाद हासिल करने के रवैये से अब महाराष्ट्र में जाने का जज्बा भी धीरे धीरे जो नई नस्ल है उसमें सर्द होता दिखाई दे रहा है। खैर, कभी और बेलगाम में MES का घटता तसल्लुत और बात करते हैं। आज बात करते हैं अधिवेशन में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बेलगाम दूसरी दारुल रियासत यानी राजधानी कही जाती है। बेंगलोर के बाद बेलगाम ही का नाम लिया जाता है। तभी तो आपने देखा होगा कि राज्योत्सव कितने बड़े पैमाने पर यहां मनाया गया। अधिवेशन के बाद या दरमियान शनिचरितवार आता है तो गोवा के सफर पर भी MLA MP जाकर लुत्फानंदोज होते हुए भी देखा जाता है। खैर, बेलगाम कुल मिलाकर अधिवेशन के बहाने मौज करने की जगह भी कह सकते हैं। MLA MP की हाजिरी कितनी होती है ये भी अहम बात है, क्योंकि पिछली मर्तबा काफी कम तादाद में हाजिरी रुकन असेंबलियों ने दर्ज की थी, जिसका तस्करा भी किया गया। भाजपा JDS अधिवेशन में कांग्रेस के 5 गारंटी आवाम तक पहुंचाने में नाकाम होने पर सवाल किए जा सकते। साबिक नायब वजीर आला आर अशोक बतौर विपक्ष का ईद कमान संभालेंगे और हुकूमत के खिलाफ व्हिप भी जारी कर सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। पिछले अधिवेशन में भाजपा की हुकूमत थी, अब कांग्रेस की हुकूमत है तो 5 गारंटियों पर ही ज्यादा सवाल उठाए जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। अधिवेशन के बाद अगर आज सबसे अहम खबर के तौर पर अगर तस्करा किया जाए तो 4 रियासतों में 3 जगहों पर कांग्रेस की हार और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है। एग्जिट पोल में सिवाय राजस्थान की भाजपा राजस्थान में जीत दर्ज कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन दिगर 3 रियासतों में कांग्रेस ही जीतेगी, ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन मामला उल्टा पेश आया। तेलंगाना छोड़ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों रियासतों में भाजपा ने जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार बहुत कुछ बयान कर रही है। तेलंगाना में हैदराबाद से MIM को भी झटका लगा है। BRS हुकूमत से बेदखल हो सकती है। खैर, जुनूबी हिंद में भाजपा पूरी तरह से साफ होती जा रही है। जहां एक वक्त कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाया जा रहा था, अब दक्षिण में भाजपा मुक्त हो चुका है तकरीबन। पर फिक्र की बात तो शुमाली हिंद की है, जिसे हिंदी पट्टी कहा जाता है। भाजपा की जीत की असल वजह क्या हो सकती है, क्योंकि जब भाजपा का सिवाय हिंदू मुस्लिम एजेंडा के कुछ नहीं है और अगर वजीर आजम मोदी के चेहरे पर ही जीत दर्ज की जा रही है तो ये भी सोचने की बात है। इसमें एक और अहम बात ये रही कि इंडिया गठबंधन मजबूत न होना ये भी इस हार की वजह बता सकते। भले बसपा या सपा कम सीटों पर लड़े हो, लेकिन कांग्रेस को यहाँ इत्तेहाद करना जरूरी था। दूसरा, भाजपा ने OBC को टिकट दिया, कांग्रेस ने सवर्णों को दिया, ये भी फैक्टर कह सकते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर फर्क तो मुसलमानों को ही पड़ने वाला है। तेलंगाना में मुसलमानों ने एक तरफा वोट कांग्रेस को किया और 70 के करीब सीटों पर जीत दर्ज करते हुए हुकूमत बना रही है। लेकिन सिर्फ मुसलमानों का वोट एक तरफा मिलने से समीकरण नहीं बदलते, लिहाजा OBC SC ST मुत्तहिद होकर करते हैं तो नतीजे बदले जा सकते। भाजपा की जानिब से तमाम OBC SC ST को हिंदू के तहत जोड़ने की कोशिश एक तरह से कामयाब कह सकते हैं और यह कोशिश आने वाले दिनों में किसी और को न सही पर मुसलमानों को महंगी पड़ सकती। भाजपा के पास सिर्फ मुस्लिम नफरत ही बाकी है और अभी यह नफरती कार्ड काम कर रहा है, वरना राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत की क्या वजह हो सकती। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कांग्रेस की हुकूमत पहले से ही थी, लिहाजा 2024 मुसलमानों के लिए इम्तिहान साबित हो सकता है। क्योंकि अगर 3 रियासतों में मोदी के चेहरे पर जीत दर्ज की जा सकती है तो वैसे भी लोकसभा में भाजपा की तरफ से मोदी ही चेहरा होंगे और ये एक तरह से लोकसभा 2024 चुनाव जीतने की तैयारी कह सकते हैं। और मुसलमानों को लेकर खुद वजीर आजम किस तरह की सोच रखते हैं या फिर वजीर दाखला अमित शाह किस तरह के बयान देते हैं, इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुसलमान ही निशाने पर है। कर्नाटक चुनाव के बाद नया समीकरण सियासी तौर पर बदल सकता है, ऐसा लग रहा था। कांग्रेस ने कर्नाटक के ही नहज पर योजनाओं का ऐलान तो किया,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपा की धर्म की सियासत कहीं तो आज भी काम कर रही है और इसका सीधा नुकसान मुसलमानों को हो सकता है। अगर सरकारी तौर पर देखा जाए दफ्तरों में और या तो दिगर महकमाओं में मुस्लिम मुखालिफ मामला कहीं तो नजर आ रहा है, क्योंकि निशाने पर मुसलमान ही हो सकता है। 2024 चुनाव के बाद मुसलमानों के लिए जमीन और भी तंग कर दी जा सकती है। एनआरसी, सीएए या कॉमन सिविल कोड और अब यूपी में हलाल चीजों पर पाबंदी, स्कूलों में सरस्वती पूजा वगैरह, नए नए कानून नाफिज किए जा सकते हैं और ये हो सकता है। आज के नतीजे भारत की एकता के साथ भारत में रहने वाली सबसे बड़ी दूसरे नंबर की आबादी मुसलमानों के लिए भी लम्हे फिक्र है। पर दूसरी तरफ जिन पर मुसीबतें नाजिल होने वाली है वो कौम इत्मीनान में ऐसे जिंदगी गुजारे जैसे इसके कुछ मसाइल है कि नहीं। इससे पहले भी हमने बार बार कहा है कि इत्तेहाद को कायम करो, एक रहो, मुसलमानों का इत्तेहाद ही एक रास्ता है, वरना गुजरात, मुजफ्फरनगर, दिल्ली जैसे हालात दोहराए जा सकते हैं, क्योंकि फैसले मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं है। आज भी वक्त है, पर अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि अपनी जिंदगी में मस्त अगर कोई कौम है तो वो कौम है मुस्लिम है। ना तो उलमाओं को, ना तो सियासी लीडरों को, ना इमामों को, ना जिम्मेदारों को, किसी को भी फिक्र नहीं है। इसको फिक्र ही नहीं है, याद रखो तुम्हारी नस्लें दांव पर लगी हुई है, तुम्हारी बेहिसी तुम्हें ले डूबेगी। वतन की फिक्र करना दा कयामत आने वाली है, तेरी बर्बादी के तस्करे हैं आसमान में। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।